खबर बांदा जनपद से जहां बबेरू में लवरुद्ध ललित कला फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित चित्रकला सामान्य ज्ञान एवं भाषण प्रतियोगिता का परिणाम घोषित कर अव्वल प्रतिभागियों को शिल्प एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा सभी को पुरस्कार वितरण किया गया। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू कस्बे का है, जहां पर महर्षि इंटर कॉलेज में ललित कला मंच के द्वारा पिछले 26 सितंबर को चित्रकला सामान्य ज्ञान एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जिसका परिणाम निर्णायकों के द्वारा घोषणा की गई, जिसमें आज पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि बांदा जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल एवं विशेष अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष विजय पाल सिंह रहे, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्रतीक कुमार एवं जूनियर वर्ग में मलखा देवी प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दिव्यांशी नामदेव व तृतीय स्थान हिमांशी नामदेव से ने प्राप्त किया। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सोनू यादव एवं द्वितीय स्थान अनुराग अग्रणी ने प्राप्त किया, जिसमें सभी स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को शील्ड व प्रमाण पत्र दे करके सम्मानित किया गया। वहीं सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रताप सिंह सचान, देवानंद द्विवेदी, अनिल द्विवेदी, अशोक उपाध्याय, ललित कला मंच के अध्यक्ष कामता पाल चौजक, नरेंद्र अवस्थी, मीडिया प्रभारी जय किशन जैकी, वही संचालन का कार्यभार ललित कला मंच के निदेशक लवरुद्र प्रताप के द्वारा किया गया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दिव्यांशी है। जी यहाँ पर किस प्रकार का कंपटीशन हुआ था और यहाँ पर अभी पुरस्कार वितरण किया गया है? जैसे कि हर साल ललित कला मंच का आयोजन किया जाता है, इस साल भी ललित कला मंच आयोजन हुआ और जहाँ पर विभिन्न प्रकार के छात्रों ने और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में अपना सहयोग दिया, जिसमें कि जीके है, सामान्य ज्ञान है और हमारा नृत्य अगले वर्ष से आयोजित किया जाएगा, जिसमें मैंने भाषण में अपना सहभागिता दी और प्रथम स्थान प्राप्त किया। कैसा महसूस हो रहा है आपका प्रथम स्थान आया? जी मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं लोगों को भी यही एक तरह से एडवाइस दूंगी कि वो भी आए और अपनी विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांशी नामदेव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभी सिंह है। जी किस प्रकार की यहाँ पर प्रतियोगिता हुई थी ललित कला मंच की तरफ? यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता हुई, चित्रकला हुआ, भाषण, जीके, इस साल यहाँ पर निबंध नहीं हुआ, दो साल से यहाँ पर प्रतियोगिताएं नहीं हो पाई, लेकिन इस साल प्रतियोगिता हुई और बहुत से लोगों ने यहाँ पर प्रतिभाग किए, जिसमें से बहुत से लोगों का स्थान आया, कुछ लोगों का स्थान नहीं आया, लेकिन यहाँ पास निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने किस में भाग लिया था, किस प्रतियोगिता? हमने भाषण प्रतियोगिता में और चित्रकला प्रतियोगिता में सामान्य ज्ञान तीनों में प्रतिभाग किया था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आगे आने वाले प्रतियोगिता में? आगे आने वाले प्रतियोगिता में ये बहुत अच्छा मंच है, जिसमें जो सभी बच्चे हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो इस मंच के कारण आगे बढ़ रहे हैं, अपने अपने प्रतिभाओं को दिखा रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशी है और मैं ललित कला मंच फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कि हर साल यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, ये एक मंच है जो बच्चों को अपना विचार और जो भी उनके अंदर टैलेंट है उनको निखारने में मदद करता है, तो मैंने इस साल भी उसमें पार्टिसिपेट किया है और मुझे भाषण में सेकेंड प्राइज मिला है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भाषण में सेकेंड प्राइज के लिए चुना गया है और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी मैं ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती रहूँगी और ऐसे ही प्राइज लाती रहूँगी। अपने फ्रेंडों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी फ्रेंड्स जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में है, मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर एक ऐसी कला है जो आप दिखाना चाहते हैं, तो ललित कला मंच फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक ऐसा मंच है जो बच्चों की और स्टूडेंट्स की प्रतिभाओं को निखारने का काम देता है, तो आपके अंदर अगर जो भी टैलेंट है उसको निखारिए और लोगों को दिखाइए और अपने स्कूल का, जिले का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करिए। कौन कौन सी प्रतियोगिता यहाँ पर हुई थी? यहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं को शामिल किया जाता है, जैसे कि चित्रकला प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है और जीके, इस बार जीके कॉम्पिटिशन हुआ था, नृत्य की भी प्रतियोगिताएँ होती हैं लेकिन इस बार वो स्थगित कर दी गई हैं और बाकी जो प्रतियोगिताएं हुई हैं उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी पोजीशन ग्रहण की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशी।